आज हमारा रैंक पुशिंग का पहला दिन, न्यू सीजन आ चुका है। किसने किसने रैंक पुशिंग स्टार्ट कर दी है मेरे को कमेंट करके बताना। मेरी जो रैंक है वो क्या चल रही है वो आप देख सकते हो, 2999 के आसपास चल रही मेरी रैंक। एंड आज मैं टॉप 1000 के अंदर चला जाऊंगा क्योंकि रात भर खेलने वाला हूँ। एंड आज से मैं रेगुलर भी वीडियो अपलोड करूंगा। आप सबकी बहुत शिकायत थी भाई रेगुलर क्यों नहीं डालते वीडियो, तो आज से रेगुलर वीडियो डालेंगे। उतरते यहाँ पर मुझे सामने की तरफ गन मिलती है थॉमसन, एंड सामने से बंदा मेरे पे फायर करता है। अब यहाँ पर मेरे पास ना वेस्ट थी ना हेलमेट, सामने वाले बंदे के पास कवर था। मैं अगर सामने से पुश करता तो मेरी चटनी बन जाती, इसलिए मैं पहले पेन किलर लगाता हूँ। एंड सोच समझ के खेलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, सीधा घुस जाते हैं इस वाले बंदे पे। अब जो बंदा था वो छत पे जा चुका था, यहाँ पर मैं इसका रास्ता ब्लॉक करता हूँ। तभी मुझे साउंड आता है, वो पीछे की तरफ कूदा। इस वाले बंदे का नाम देखो भाई साहब, पीएम मोदी था नाम इसका। इस वाले बंदे को मारने के बाद इसकी पेटी लूटते हैं, फिर इधर से निकलते हैं और बंदों की तलाश में। अब जैसे ही मैं बंदों की तलाश में निकलने वाला था तभी मुझे पीछे की तरफ से साउंड आता है, मैं देखता हूं सामने बंदा। इस वाले बंदे को मैं आराम से मार देता हूँ। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर मैं लूट करने लग जाता हूँ हल्की फुल्की। अब लूट वगैरह करते करते मैं इस वाले घर पे पहुंचता हूँ। यहाँ पर मैं लूट वगैरह कर ही रहा था तभी मुझे साउंड आता है कि पीछे की तरफ कोई तो है। मैं देखने की कोशिश करता हूँ, हल्का हल्का साउंड मुझे आ रहा था पैरों का। तभी मुझे यहाँ पर एक बंदा दिखता है भागता हुआ। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहाँ पर अपने 3 किल हो जाते हैं। 7 बंदे अभी भी मेरे एरिया में थे तो मैंने सोचा चलो उनको ढूंढते हैं। अब यहाँ पर मैं ग्लाइड करते करते आगे की तरफ जा रहा था बंदों की तलाश में, तभी मुझे हल्का सा साउंड आता है। यहाँ पर मैं जंप करता हूँ एंड मेरे नीचे ही बंदा था। इस वाले बंदे पे सीधा मैं पुश कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास जितनी नेड मोलियां थी मैं सारी की सारी कर देता हूँ। बंदा पता नहीं किस कोने में घुस के बैठा था भाई, उस बंदे को डैमेज ही नहीं होता है। जितनी नेड मोलियां थी खत्म होने के बाद मैं फाइट करता हूँ, ये बंदा आता ही नहीं है नीचे। एंड में होता क्या सीन है वो देखो आप। काफी देर चूहा बिल्ली का खेल खेलने के बाद बंदा नीचे आता तो है बट होता क्या सीन है देखो। भाई साहब यहाँ पर मेरी शॉटगन रीलोड हो जाती है एंड भाई बंदा फायदा उठाता है एंड मार देता है। भाई इस बंदे ने बहुत दिमाग खराब किया, नीचे ही नहीं आ रहा था भाई, ये कब से ऊपर बैठा हुआ था, नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा था। चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अपने पास एक मौका और था। इस वाले मैच में हम चिकन डिनर निकालने वाले हैं, तो फटाफट से उतरते एक अच्छी सी लोकेशन पे एंड उसके बाद देखो कैसे तबाही मचाते हैं। अब लोकेशन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा चलो गाड़ी पे लैंड करते हैं। जैसे ही मैं गाड़ी उठाता हूँ तभी मुझे ड्रॉप दिख जाता है, तो मैंने सोचा चलो ड्रॉप लूटते हैं। ड्रॉप पे आते ही मुझे पता चलता है कि यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं है, तो मैं आराम से ड्रॉप लूटने लग जाता हूँ। मुझे ग्रोजा मिल जाती है, ग्रोजा उठा के इधर से निकलते हैं एंड ग्रोजा मेरी फेवरेट है आप सबको पता होगा। तो अब तबाही मचनी स्टार्ट होगी। अब ग्रोजा तो अपने को मिल गई थी तो मैंने सोचा थोड़े से पैसे ढूंढ के ना इसका स्प्रेसर भी ले लेते हैं, क्योंकि स्प्रेसर के साथ ही चलाने में मजा आता है ग्रोजा, तो थोड़ी अर्निंग करने लग जाता हूँ यहाँ पर मैं। अब काफी सारे पैसे मैंने कमा लिए थे तो अब था टाइम उन पैसों को खर्च करने का। तो यहाँ पर मैं शॉप पे आता हूँ, सबसे पहले यहाँ पर मैं सप्रेसर खरीदता हूँ क्योंकि मेरे पास पूरे पूरे पैसे थे। सप्रेसर खरीद के यहीं पर मैं होल्ड कर लेता हूँ क्योंकि यहीं पर जोन था एंड जोन छोटा होने वाला था, तो मैंने सोचा जैसे ही जोन बनेगा उस हिसाब से हम इधर से निकलेंगे। अब जो जोन है वो बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ बन जाता है मेरे से, ज्यादा दूर बना नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चलो अपनी गाड़ी उठा के एक अच्छी सी लोकेशन जाके पहले ही होल्ड कर लेते हैं ताकि चिकन डिनर निकालने में अपने को थोड़ी सी आसानी हो जाए। अब जैसे ही मैं जोन में पहुंचता हूं एक अच्छी सी लोकेशन पे, मुझे लग रहा था गाड़ी यहां पर है तो बंदा भी यहीं होगा, तभी मुझे पीछे से साउंड आता है। इस वाले बंदे को मैं आराम से मार देता हूं जिसका नाम वाइटी करके कुछ था। इस वाले बंदे को मारने के बाद यहां पर मैं होल्ड कर लेता हूं क्योंकि ये लोकेशन काफी अच्छी थी एंड जोन में भी थी एंड सारे बंदे आसपास से ही निकलने वाले थे, तो यहीं पर थोड़ी देर होल्ड करते हैं। अब यहां पर मैं आसपास वाले बंदों को देख ही रहा था तभी मुझे सामने की तरफ एक गाड़ी दिखती है। पहले तो मैं गाड़ी के टायर फोड़ देता हूं, उसके बाद मैं सोचता हूं कि इस गाड़ी वाले पे पुश कर दूं क्योंकि मेरे को किल की भी जरूरत थी एंड मेरे पास गन भी अच्छी खासी थी, तो मैंने सोचा चलो घुसते हैं सीधा। तभी मुझे पीछे एक गाड़ी दिखती है, इस गाड़ी वाले को मैं हल्का सा डैमेज देता हूं बट ये निकल जाता है। इसको इग्नोर करते हैं, सामने वाले पे पुश करते हैं। अब जैसे ही मैं गाड़ी उठा के निकलने वाला था तभी मुझे पीछे ओपन में एक बंदा भागता हुआ दिखता है, तो मैंने सोचा पहले इसकी चटनी बना दें। इस वाले बंदे को मार देता हूं तभी मुझे पीछे की तरफ से साउंड आता है, कोई तो फायरिंग कर रहा है, मुझे बंदा दिख भी जाता है एंड देखो फिर भाई इसको कितना डैमेज दिया बट ये बच जाता है। इस वाले बंदे को छोड़ते हैं। अब जो पीछे की तरफ बंदा था जिसको मैं पहले मारने की कोशिश करने वाला था उस पर पुश करते हैं।
अब गाड़ी उठा के जैसे ही मैं यहाँ पर आता हूँ वॉच टावर पे, तो मुझे पता चलता है बंदा ऊपर है नीचे नहीं है। तो मैंने सोचा चलो मोली नेड करते हैं। मोली नेड मेरे पास थी नहीं, एंड नीचे एक पेटी दिखती है जिसके अंदर से मुझे मोली मिल जाती है, तो इसकी मोली से इसी को मारते हैं। देखो फिर अब यहाँ पर मैंने मोली तो कर दी थी, मुझे लगा नहीं था कि वो मरेंगे, मैं आराम से बैठ गया था क्योंकि मेरे पास एक ही मोली थी। तभी मुझे किल मिल जाता तो मैं समझ जाता हूँ भाई साहब अपनी मोली वेस्ट नहीं गई। अब यहाँ पर मैं जोन के अंदर था तो मैंने सोचा थोड़ी देर यहीं पर होल्ड करते हैं। अब जो अगला जोन था वो बनने ही वाला था, तभी मुझे सामने की तरफ से फायरिंग का साउंड आता है। मैंने सोचा चलो इसी बंदे पे पुश करते हैं जो फायरिंग कर रहा है। तभी मुझे एक जलती हुई गाड़ी दिखती है, मैंने सोचा इसके पीछे लगा के इसको मारता हूँ, तब तक इसको कोई और ही फोड़ देता है। तभी मुझे सामने की तरफ एक बंदा दिखता है जिसे मैंने देख तो लिया था, बट ये बंदा थोड़ा ऊंचाई पे था, अगर मैं इस पे रश करता तो ये मुझे आराम से मार सकता था। तो यहाँ पर मैं होल्ड करता हूँ क्योंकि मैं जोन के अंदर था, मैंने सोचा जैसे ये मुझे प्रॉपर दिखेगा तभी से मारूंगा। अब यहाँ पर मेरे पीछे तो कोई नहीं था, मैं कन्फर्म था, इसी वजह से मैं गाड़ी के ऊपर बैठ के बना के देख रहा था कि मुझे कोई दिखे। तभी मुझे एक सांप रेंगता हुआ दिखता है, मैं भाग के पीछे की तरफ जाता हूं, एंड देखो फिर इसकी कैसे चटनी बनाते हैं। इस वाले बंदे को मारने के बाद जो पीछे वाला बंदा था उसका मुझे पहले से ही पता था, तो यहां पर इस वाले बंदे को कैसे मारते हैं वो देखो। अब यहां पर मेरे साथ कुछ गड़बड़ होने वाली है, देखना ध्यान से। पहले मुझे लगता है ये सब्सक्राइबर है क्योंकि ये कूदता है, बट ये फाइट कर रहा था। भाई कूदते हुए कौन फाइट करता है, पहले मैं इसे मारता नहीं हूं। देखो मैंने नेड किया, ये कूदा, ठीक है, मुझे लगा शायद ये सब्सक्राइबर है। जैसे ही मैं यहां पर सामने आता हूं वो कवर में चला जाता है, मुझे इसकी हरकतें सही नहीं लगी इसलिए मैं भी कवर में आ जाता हूं। एंड अगर ये सब्सक्राइबर था ये दोबारा कूदता, बट ये दोबारा कूदा नहीं, ये मेरे पे नेड कर रहा था। भाई साहब यहां पर तो स्कैम हो जाता मेरे साथ, बट इस वाले बंदे को मैं आराम से मार देता हूं। इस वाले बंदे को मारने के बाद अपना इजी चिकन डिनर निकलता है। मेरी रैंक क्या चल रही है वो तो मैंने शुरू में भी दिखा दी थी, अभी दोबारा से दिखा देता हूं। अब इस वाले मैच में आपको मजा आया या नहीं आया मेरे को कमेंट करके बताना, बाकी आपकी क्या रैंक चल रही है मुझे ये भी कमेंट करके बताना, कौन कौन रैंक पुश कर रहा है एंड किसको किसको डेली गेम प्ले चाहिए। जैसे आज मैंने अपलोड किया, कल भी करूं, परसों भी करूं, या फिर एक एक दिन छोड़ के करूं, या फिर दो दो दिन छोड़ के करूं, मुझे ये भी कमेंट करके बताना। बाकी आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।